अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है जी थ्योरीज ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, लाइट की डिफरेंट थ्योरीज हैं। जो क्लासिकल थ्योरीज हैं वो हमें ये बताती हैं कि लाइट है वेव नेचर, बट जो क्वांटम मैकेनिकल या मॉडर्न थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं लाइट है डुअल नेचर। और फाइनली हमारे पास मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट है जो कि ये बताती है लाइट हैव डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, और लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली वेव्स। तो स्टूडेंट्स, अगर बात कर ली जाए थ्योरीज ऑफ लाइट की, तो सबसे पहले है कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आइजैक न्यूटन जो है जी, उसने सबसे पहले ये थ्योरी डिस्कवर की, और इसने कहा कि जो लाइट सन से आती है वो इन द फॉर्म ऑफ मैसलेस शाइनिंग पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है, जिसे हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं, ठीक है। बट हाइगन जो है वो स्टूडेंट था न्यूटन का, और उसने ये कहा कि लाइट इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, बट कॉर्पस्कुलर थ्योरी रिजेक्टेड विद पैसेज ऑफ टाइम। तो वक्त के साथ साथ जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। तो फिर नेक्स्ट थ्योरी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि हाइगन की थी। हाइगन इज़ द स्टूडेंट ऑफ न्यूटन who say that light is coming in the form of electromagnetic waves, in the form of wave fronts, plane wave fronts or spherical wave fronts. Also, gamma ray have more energy than X-ray, ultraviolet ray, visible ray, etc. फिर next जो theory थी वो थी Maxwell electromagnetic wave theory, और ये जो है अब तक की successful theory थी। तो as a result of Maxwell theory, लाइट हैव डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, मीन्स कि लाइट जो है वो डायफ्रेक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन के फेनोमिनास भी करती है। तो देर आर टू एक्सपेरिमेंट्स हु प्रूव दिस थ्योरी। फर्स्ट वन इज जे.जे. थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। जे.जे. थॉम्सन इज द फादर ऑफ जी.पी. थॉम्सन। ही प्रूव दैट लाइट हैज पार्टिकुलर नेचर, ठीक है जी, पार्टिकल नेचर लाइट रखती है, बाय यूजिंग व्हील प्लेस इन अ ग्लास ट्यूब विद इन द प्रेजेंट ऑफ एनोड एंड कैथोड। इसने एक छोटा सा जी एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड और एनोड लिया, ठीक है, यहाँ से इसने लाइट रेस पास की और व्हील जो है वो रोटेट किया। तो इसने कहा कि लाइट जो है ये कुछ ना कुछ मोमेंटम रखती है, जिसने इस व्हील को जो है रोटेट किया, तो लाइट के पास जो है मीन्स कि जो लाइट की नेचर है वो ट्रीट कर रही है एज अ पार्टिकल, तो लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। बट जो इसका बेटा था जी.पी. थॉम्सन इज़ द सन ऑफ जे.जे. थॉम्सन, ही प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन बीम हैव वेव नेचर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रीट कर रहा है एज अ वेव, मैंने कहा पार्टिकल ट्रीट कर रहा है एज अ वेव, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन बीम एंड एक्सरे हैव आइडेंटिकल। तो देखें इसने क्या किया, इसने एक्सरेज को डायफ्रेक्शन स्लिट से पास किया, तो जो इसे डायफ्रेक्शन पैटर्न मिले एक्सरे के, ठीक है, वो सिमिलर थे डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन के। उसने यहाँ से ये कहा कि भाई लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इसके वालिद साहब क्या कहते थे, लाइट की पार्टिकल नेचर है, तो इसने कहा लाइट की वेव नेचर है। तो मैक्सवेल ने तो कहा था लाइट हैव डुअल नेचर, तो इट्स मीन ये ट्रू हो गया कि लाइट हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पॉइंट है वो है इनविजिबल थिंग हैव डुअल नेचर, ठीक है, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते उनकी नेचर डुअल होती है, ठीक है। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन है मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द मैस एंड क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। पी इज इक्वल टू एम वी से लिखते हैं जी, सारा हम प्रीवियसली पढ़ के आए, यूनिट इसका kgms-1 या न्यूटन सेकेंड, ठीक, डायमेंशन है mt-1। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टॉपिक का वो है डी ब्रोगली वेव्स। डी ब्रोगली स्टूडेंट ये कहता है, लुइस डी ब्रोगली, कि इफ़ अ पार्टिकल एक्ट लाइक अ वेव, अगर पार्टिकल जो है वो वेव की तरह ट्रीट कर सकता है, देन वेव आल्सो एक्ट लाइक अ पार्टिकल, वेव को भी पार्टिकल की तरह ट्रीट करना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड डुअल नेचर। डी ब्रोगली कोरिलेट दीज टू नेचर्स, लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली वेव्स हैविंग डुअल नेचर, ठीक है जी। तो लाइट जो है वो डी ब्रोगली वेव्स की फॉर्म में आ रही है और इसकी डुअल नेचर है। तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम इज द मैस,
एंड वी इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। इस कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखें एनर्जी ऑफ वेव इज गिवन बाय इज इक्वल टू एच एफ प्लैंक्स इक्वेशन, एफ को हम लिख सकते हैं सी ओवर लैम्डा, तो इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा। ऑल्सो एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बाय आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी या एम सी, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू पी सी। अगर मैं एम सी डॉट सी कर लूँ तो पी सी लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, एस सी लैम्डा इज इक्वल टू पी सी, तो सी से सी कैंसल, तो यहाँ से हमारे पास पी है वो आ जाएगा एच ओवर लैम्डा, या लैम्डा आ जाएगा एच ओवर पी, और पी था एम वी तो लैम्डा आ जाएगा एच ओवर एम वी। हेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।